हेलो गाइस, तो आज मैं दिखाने वाली अमेज़ॉन के स्मार्ट गैजेट्स जो कि किचन के लिए हैं, बहुत ही बढ़िया से हैं। सारे के सारे आपको ऑफ़र पे मिल जाएंगे, यानी डिस्काउंट ऑफ़र पे मिल जाएंगे, और सारे प्रोडक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रोज़ वीडियो आती है मेरी, तो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं ग्रेटर दिखा रही हूँ। ये ग्रेटर भी है, चॉपर भी है, वेजिटेबल स्लाइसर भी है। आप मतलब इसमें आपको 4-5 ब्लेड्स वगैरह दे दी जाएगी और आप इससे कुछ इस तरीके की कटिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं प्लांट के लिए स्प्रेयर दिखा रही हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया है। स्प्रे बॉटल, ऐसे स्प्रे बॉटल होती है तो थोड़ी बहुत ही निकलती, इसका स्प्रे का जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हो काफ़ी लाइट सा स्प्रे पड़ेगा, तो इसे आप काफ़ी बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं घर की सफाई वगैरह के लिए, प्लांट को स्प्रे करने के लिए, तो काफ़ी बढ़िया है। एंड इसके बाद मैं दिखा रही हूँ इलेक्ट्रिक जूसर जो कि काफ़ी बढ़िया है। इलेक्ट्रिक होने के कारण आप काफ़ी ईजिली इससे जूस वगैरह निकाल सकते हैं। और इसके बाद है हमारा AC कवर जो कि काफ़ी बढ़िया है, ये आपको 200 के अराउंड में मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हैं, आप वहां से जाके परचेज़ कर सकते हैं और आपको वहीं पे प्राइस वगैरह भी पता चल जाएगा। वैसे सारे के सारे प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट पे ही मिलेंगे। एंड यहां पे मैं क्लॉथ दिखा रही हूं जो कि आपको 8 के सेट में मिल जाएगा, ये भी आपको 100 से 200 के अराउंड में मिलेगा और सेट में मिलेगा। बहुत अच्छा सा है, माइक्रो फाइबर का बना हुआ कपड़ा है, 8 के सेट में मिलेगा। किचन के हर जगह को आप इसे क्लीन कर सकते हैं, या कि प्रोडक्ट वगैरह हो गया वो सब भी आप क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ ऑयल फ्री स्पून जो कि काफ़ी बढ़िया है। इससे क्या होगा, इस स्पून से आप ऑयल फ्री खाना या सूप वगैरह निकाल सकते हैं। अक्सर हम लोग नूडल्स वगैरह बनाते हैं तो ऑयल ज़्यादा हो जाता है, तो इस स्पून से आप ऑयल फ्री खाना खा सकते हैं, तो बहुत भी बढ़िया है। इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। एंड इसके बाद मैं दिखा रही हूँ टॉयलेट के लिए काफ़ी बढ़िया सा स्टैंड, स्टोरेज रैक भी आप इसे बोल सकते हैं। इसमें आप टॉयलेट, ये बाथरूम और टॉयलेट जब अटैच रहता है तो आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ढेर सा सामान रख सकते हैं। और मिनी क्लॉथ वॉश के लिए आपको बोर्ड मैं दिखा रही हूँ, इसमें आपको एक स्क्रबर भी मिल जाएगा जिससे आप काफ़ी ईजिली हैंकी हो गया, सॉक्स हो गया, किचन के जितने भी सामान छोटे मोटे होते कपड़े वगैरह आप इसे क्लीन कर सकते हैं। और ये है रोटेटबल, काफ़ी बढ़िया सा हैंगर, इसमें आप 7-8 हैंगर एक साथ लगा सकते हैं, मतलब हैंगर है और हैंगर के अंदर आप हैंगर लगा सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया है, एडजस्टेबल भी है, तो जैसा आप देख ही सकते हैं। एंड इसके बाद मैं दिखा रही हूँ ड्राइंग नेट जो कि काफ़ी बढ़िया है, ये भी रोटेटबल है, ये रोटेट कर सकते हैं। इसमें आप अपने घर के सॉक्स वगैरह या छोटे जो भी क्लॉथ वगैरह होते हैं वो सब सुखा सकते हैं, जैसे हैंगर या क्लिप्स वगैरह में लगाते हैं तो उसके जगह आप इसमें भी सुखा सकते हैं, तो इसे आप अपने बेडरूम वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गार्डन वगैरह में जहाँ क्लॉथ वगैरह लगाते हैं वहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे राउंड करके रोटेट करके आप छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ माइक्रो फाइबर का मॉप जो कि काफ़ी बढ़िया है, क्लीनिंग मॉप है, और इसी ये इतना अच्छा इसलिए क्योंकि ये एडजस्टेबल भी है। इसके बाद फ्लावर शेप का मैं शोकेस दिखा रही हूँ जो कि 2 टायर है, जिसे आप ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूट देखने में है, कलरफुल भी है, और 2 टायर होने के कारण इसमें आप 2 सोप वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ स्क्रबर और लिंट रिमूवर, दोनों ही साथ में है। एक तरफ है स्टील का बना हुआ स्क्रबर टाइप का लगा हुआ है, उसी के साइड में लिंट रिमूवर लगा हुआ है। बेडशीट वगैरह के लिंट वगैरह आप काफ़ी बढ़िया से क्लीन कर सकते हैं इसे, और इसमें आपको एक कैप भी मिल जाएगा। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ ग्लव्स, जिससे आप अपनी कार वगैरह को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, और ये माइक्रोफाइबर के कपड़े का है तो काफ़ी जल्दी ड्राई भी हो जाता है। और ये है फोल्डेबल मॉप जो कि काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ड्राई काफ़ी जल्दी करता है चीज़ों को, तो आप टाइल्स वगैरह को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और जल्द ही ये ड्राई हो जाएगा। और विंडो के साइड वगैरह को भी आप क्लीन कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो इसे आप फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं। एंड इसके बाद मैं दिखा रही हूँ पाइनएप्पल के लिए सीड्स रिमूवर जो कि काफ़ी बढ़िया है। पाइनएप्पल के अलावा आप स्ट्रॉबेरी वगैरह के सीड्स वगैरह इससे निकाल सकते हैं, ये काफ़ी
आसान है। और इसके बाद है ये पिकनिक वाटर कंटेनर। ये दोस्तों बहुत ही औसम सा कंटेनर है, बहुत ही बढ़िया सा। आप इसे देख सकते हो, ये फोल्डेबल भी है। अगर इसमें पानी नहीं रहेगा तो ये फोल्ड करके छोटा सा एक बैग जैसा बन जाएगा। एक जैसे कि काफ़ी बढ़िया कंटेनर है, कुल मिला के कार के लिए, पिकनिक के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे रख सकते हैं और ऐसा कूलर जैसा, वाटर कूलर जैसा होता है, या फिर वाटर कंटेनर जैसा आप इसे यूज़ कर सकते हैं किचन वगैरह में भी। तो मेरे ख्याल से इसे आप लेना चाहिए अगर आप आउटडोर करते हैं, घूमने जाते हैं तो। एंड इसके बाद मैं नाइफ़ दिखा रही हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया है। इससे आप सैलड वगैरह काफ़ी बढ़िया डिज़ाइनर कट कर सकते हैं और फिंगर्स वगैरह की काफ़ी बढ़िया से कटिंग कर सकते हैं, जिस लाइक इस तरीके से जैसा कि होटल वगैरह में दे रखा रहता है। तो आप इसे काफ़ी प्यारी प्यारी से डिज़ाइंस बना सकते हैं फूड की। एंड इसके बाद मैं ड्रॉर के लिए रैक दिखा रही हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसमें आप सॉक्स वगैरह हो गया, हैंकी वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें रख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। इसका भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। एंड यहाँ पर फूड कवर रैक मैं दिखा रही हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया है। इलेक्ट्रिक होने के कारण ये फूड कवर स्टीमर जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें आप फूड को एक साथ, काफ़ी ढेर सारे फूड को स्टीम कर सकते हैं। ऊपर के एरिया को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टायर है ये और काफ़ी बढ़िया है। अगर आप और बड़ा लेना चाहते हैं तो बड़ा भी ले सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ नाइफ्स एंड चॉपिंग बोर्ड एक साथ है। जिस कलर का चॉपिंग बोर्ड है उस कलर का नाइफ भी मिल जाएगा और कटर वगैरह भी मिल जाएगा, बड़े नाइफ्स भी हैं। और ये पूरा सेट है और इसी में आपको काफ़ी ढेर सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दिया, अगर आप लोगों को कुछ इस टाइप का गैजेट चाहिए तो आप ले सकते हैं। और फोल्डेबल किचन शील्ड मैं दिखा रही हूँ जो कि सिल्वर की है। इतनी अच्छी है कि आपके टाइल्स वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ऑयल वगैरह ज़रूर निकलता है, उड़ता है झाग वगैरह, तो वो सब इसी में रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा तो इसे ले सकते हैं अपने किचन के लिए। और मैं यहाँ पे कंटेनर बॉक्स दिखा रही हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया है और इसमें आपको स्पून्स वगैरह भी मिल जाएगा। 4 के सेट में आपको छोटे छोटे कंटेनर बॉक्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको कैप नहीं मिलेगा क्योंकि एक बड़े से बॉक्स में ही मिल रहा है। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और रही बात इसके प्राइस की दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और मुझे प्राइस इतना याद नहीं है, पर 199 तक के रेंज में है। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ फोल्डेबल चॉपिंग बोर्ड विद बास्केट। तो इसमें आप फ्रूट्स वगैरह वॉश पहले तो वॉश कर सकते हैं और दूसरी बात है उसी पे आप फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल वगैरह कट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है और सस्ता भी है, ये 399 के अराउंड में है। आप जब लिंक से जाएंगे तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा। और ये है ऑटोमेटिक डोर क्लोज्ड जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसे आप अपने स्टिकी होने के कारण इसे आप काफ़ी ईजिली से लगा सकते हैं और आपका डोर जो है वो काफ़ी ईजिली अपने आप लॉक हो जाएगा, आपको लॉक करने का नीड नहीं है। तो ये इसी का वर्क करता है। एंड इसके बाद मैं दिखा रही हूँ मीट बाउल मेकर स्पून जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये आपको 200 के अराउंड में मिल जाएगा। स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और मीट बाउल के अलावा आप इसे पकौड़ी वगैरह बनाना चाहते हो तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ की पकौड़ी वगैरह बना रहे हैं जैसे लिक्विड वगैरह है। और इसके बाद मैं दिखा रही हूँ एडजस्टेबल ड्रेन बास्केट जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये सिंक के लिए बहुत अच्छी बास्केट है। इसका प्राइस ले ली जाए तो इसका प्राइस 300 के अराउंड में है और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ले सकते हैं। स्टीम बोर्ड ऑर्गेनाइज़र मैं दिखा रही हूँ जिसमें आप अपने जो वेजिटेबल वगैरह रख सकते हैं, स्नैक्स के प्रोडक्ट रख सकते हैं। ये काफ़ी क्यूट सा है। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे, दिवाली चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका भी है, सब बिजी ही हैं। पर वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर डाली हूँ तो लाइक